पब्लिक और पुलिस के बीच में एक मित्रता बनी रहे और न्याय का न्याय में जो विलंब होता था उसमें अब बहुत देरी ना हो ताकि पब्लिक में विश्वास बना रहे और शॉर्ट टर्म और पब्लिक में विश्वास बना जी 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 और ज़्यादा पब्लिक का विश्वास हम लोगों पर हो और हम लोग उनके विश्वास पे खड़ा उतरें ये हम लोगों का प्रयास है और उसमें उसी के लिए ये नई धाराएं बनी हैं कुछ जैसे 302 के बदले 103 अब कहा जाएगा और 307 के बदले 109 कहा जाएगा इसी प्रकार अन्य धाराएं हैं जो परिवर्तित हुई हैं उसी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे थे जो अभी चेंज हो के जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ यही है जो नए धाराएं आई हैं उन्हीं धाराओं के बीच में हम लोग काम करेंगे जिससे कि पब्लिक का विश्वास और बढ़े और न्याय जल्द से जल्द मिल सके। लकवा, मिर्गी या हो पागलपन, मांसपेशियां, नसों या भूलने की बीमारियां, तो आज ही आए जिले के एकमात्र डीएम न्यूरोलॉजी डॉक्टर भवेश कुमार के पास, जहां हो मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग का बेहतर इलाज। हमारा पता है माँ कमख्या न्यूरो सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक, महिला कॉलेज के पास, डाक बंगला रोड, बेगूसराय। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज पूरे भारतवर्ष में नया कानून लागू हो गया है जिसको कि बड़ा कानून या पहले जो आईपीसी था वो बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया है। उसके बाद सीआरपीसी थे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। एविडेंस एक्ट था तो साक्ष्य अधिनियम हो गया है। ये तीनों कानून आज मुख्य रूप से लागू हो गए, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। मुख्य रूप से इस कानून की विशेषता यही है कि इसमें नागरिकों के न्याय पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, नागरिकों का अधिकार पर बहुत सारा जोर दिया गया है कि उनके न्याय जल्द से जल्द मिले और कैसे मिले ताकि उनको विश्वास कानून के प्रति बना रहे। न्याय आधारित है, इसमें कानूनों में तब्दीली की गई है, नए नए सेक्शंस को इन्वोक किया गया है, डिजिटल एविडेंस के बारे में बात की जाती है, लोग कहीं से भी अपना FIR करा सकते हैं, जीरो FIR की बात है और भी जो सारी टेक्निकलिटीज़ हैं उसके बारे में कोशिश थी कि आम जनता को उसके बारे में जागरूक किया जा सके। उसके संबंध में प्रोग्राम किया गया था, इस संबंध में हम लोगों की ट्रेनिंग, पुलिस विभाग की ट्रेनिंग भी चल रही है, हम लोग अपनी शक्तियों का वर्धन कर रहे हैं इसमें और आज से हम लोग नए आपराधिक कानून जो लागू हैं उसके अंतर्गत काम करेंगे। क्या लगता है इसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर सख्ती से सभी तरह के मतलब जो निर्दोष हैं उनको बारीकी से सुनाना? हमेशा से पुलिस की कोशिश रही है कि एविडेंस बेस्ड एक्ट लोग उसमें रहेंगे और विक्टिम्स को अधिकार इसमें मिले हैं जो कि कानूनी अधिकार है। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, उसको कानूनी मान्यता भी दी जा चुकी है, लगातार उस पर हम लोग की कार्यवाही जारी रहेगी, इसके अंतर्गत हम लोग कार्य कर सकते को के बारे में सूचना अनिवार्य करना है। महिला अपराध के स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की जो सहमति से उनकी मेडिकल जांच की जाती है वो 7 दिनों के अंदर किया जाएगा, मेडिकल रिपोर्ट भेजा जाएगा और BNS की धारा 396 और 397 में पीड़िता को मुआवजे और मुफ्त इलाज का भी अधिकार दिया गया है। BNS की धारा 398 के अंदर गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। केस वापसी के पहले न्यायालयों के प्रीति की बात सुनने का अधिकार दिया गया है। तो ये सब जो प्रक्रिया है बहुत ही स्वागत योग्य है और हम सब आज आए हैं और अपने इनके SP साहब के बातों को समझे हैं और ये जो जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था ये नए आपराधिक कानून है उसको उसकी जानकारी देने के लिए जी, ये जो है बढ़ते अपराध जो बढ़ रहा है इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, ये सरकार से लेकर आज पुलिस प्रशासन के तहत ये हम लोगों को जानकारी दिया गया है जो हम कहीं से भी FIR दर्ज कर सकते हैं। जैसे छीना झपटी होता है, देखते हैं महिलाओं को चैन छीन के चला जाता है, तो इस सब पर हम लोग जहां हैं वहीं से वो FIR दर्ज कर सकते हैं और प्रक्रिया को जटिल प्रक्रिया को सरल किया गया है, ये स्वागत योग्य। बेगूसराय जिले के एकमात्र बच्चों के कपड़े का शोरूम बचपन, जहां मिलेगा बच्चों के एक से बढ़कर एक वैरायटीज के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे यानी कि बचपन में। तो आज ही आए अपने बच्चों के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए हमारे बचपन शोरूम में जिसका पता है डाक बंगला रोड बेगूसराय हुआ है। इससे हम जाते हैं, सारे जनता काफ़ी उत्साहित हैं। आज से इसको लागू किया गया है और इसकी सूचना हमें दी गई है, नगर थाना में बुलाया गया है, SP साहब स्वयं आए थे। तो हम तो अपने नगरवासी और जिलावासी से यही कहना चाहेंगे कि इस नए कानून में हम महिलाओं को भी और समाज को जो दर दर भटकना पड़ता था अपनी
विपता को सुनाना पड़ता था, इसे निजात दिलाने के लिए संसद का जो ये नियम निकला है और आज से लागू हुआ है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। खास करके महिलाएं ज्यादा पीड़ित रहती थी, बच्ची लोग ज्यादा पीड़ित हो जाती थी और उन्हें न्याय नहीं मिलता था, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सारे जनप्रतिनिधि चाहेंगे कि इसमें पूरा से सहयोग दे के जनता को न्याय दिलाने का काम करें, ये हमारा दायित्व भी है। एक तारीख सर के द्वारा जानकारी दिया गया कि आज एक तारीख से कुछ नए कानून में फेरबदल के तहत हम लोगों को जो है सो पब्लिक और सर लोगों के द्वारा जो है सो एक तालमेल बैठक किया गया, जिसमें सर के द्वारा जो जानकारी दिया गया उससे हम लोग संतुष्ट हैं। और जो जानकारी सर के द्वारा हम लोगों को दिया गया, हम अन्य पब्लिक में भी इसका जो है सो अति करके सर के द्वारा बहुत हम लोगों को संतुष्ट किया गया है।